सोने व्याकरवा के रे सानू मिलदा गिलदा रे सोनिया व्याकरवा के वे सानू मिलदा गिलदा रे दोदिलता जुड़ गए नहीं मुड़के नहीं जुड़िया तकदीरा लखा रांझे तुर गए नहीं इत्थे रहन बिलक दिया हीरा तार तार फिर गई सीने ते मैं गल हसद्या हसद्या कई सोनिया व्याह करवा के वे सानू मिलदा गिलदा रही तो कहने का मतलब है कि इन्ना पंजाबी गाना किसी नूं नहीं याद हुंदा मतलब चमकीले दे गाने रीसेंट जदों तुहानूं पता है पंजाब च चमकीला किन्ना सारा ट्रेंड कर रहा इस टाइम ते आप इस टाइम की बात कर रहे हो हाँ। मैं 10-12 साल से ये वाले गाने सुनते हैं मतलब चमकीला चमकीला जो ये गायक है ना जो ये लेजेंडरी गायक है हमारे पंजाब में इनसे पंजाब जाना जाता है हाँ। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनको शायद अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है लेकिन उनके गाने इतने खूबसूरत है चमकीले का गाना दसो क्योंकि फिल्म भी बन रही है हाँ जी हाँ जी प्लीज प्लीज मैं मेरे प्लीज सुर और ये सब नहीं नहीं टाइम हटा के जुड़ गए ने नहीं तकदीरा लखा गुण गए ने ਪਈ ਗਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਹਲਦੇ ਹਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾ ਹੀ ਦਊਗਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਐਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਪਰ ਡਿਊਟ ਗਾਓ ਯਾਰ ਤੁਮਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗਾਓ ਯਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਰਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਰਹੀ ਦੋ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰਾਂਝੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਿਲਕ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਰਹੀ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ आप चमकीले के गाने सुनेंगे ना हाँ। मैंने तो ऑफकोर्स आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अभिनव और इतने अच्छे अच्छे गाने हैं आजकल वो उस पर बड़ा हम करते हैं वो गाना मैं मुझे वो आर्टिस्ट याद नहीं है अच्छा छोड़िए मुझे फिर याद नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं वो और उनका गाना भी आजकल ऐसे लूप पे चलता रहता है तो कहने का मतलब है कि इतना पंजाबी गाना किसी को नहीं याद होता मतलब चमकीले के गाने रीसेंट जो पता है पंजाब में चमकीला कितना सारा ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पे आप इस टाइम की बात कर रहे हो हाँ। मैं 10-12 साल से ये वाले गाने सुनते हैं मतलब चमकीला चमकीला जो ये गायक है ना जो ये लेजेंडरी गायक है हमारे पंजाब में इनसे पंजाब जाना जाता है हाँ। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनको शायद अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है लेकिन उनके गाने इतने खूबसूरत हैं